हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आप सबका स्वागत है शालू बालियान ब्लॉग में। तो आज 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 है कितनी तारीख? 29 तारीख है और कल ग्रहण था। तो आज मैं सुबह मतलब जो मेरा काम है झाड़ू पोछा डस्टिंग का, ये मैंने कर लिया है। अब मैं करूँगी मंदिर की सफाई और अपने जो देवी देवता हैं उनको स्नान कराऊँगी और फिर पूजा करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ग्रहण के बाद शुद्धिकरण करना चाहिए। तो ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, उस हिसाब से मैं करूँगी। तो देखते रहिए मेरा व्लॉग शालू बालियान। सो गाइस, मैं यहाँ सुबह उठ गई थी 6:30 बजे। आज थोड़ा मैं लेट उठी हूँ, आधा घंटा लेट उठी हूँ, क्योंकि आज संडे का दिन था। तो थोड़ा आधा घंटा मैं ज़्यादा सोई हूँ। तो यहाँ मैं सुबह उठ के अपना सबसे पहले मैंने पिया गुनगुना पानी, जो मैं डेली पीती हूँ 1 गिलास। और अच्छा भी रहता है सुबह आप उठ के, चाहे नॉर्मल पियो चाहे आप गर्म करके पियो, जैसा आपको अच्छा लगता है ऐसे। लेकिन अब जैसे सर्दियों का मौसम आता जा रहा है, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी सही रहता है। और इसके बाद में थोड़ा मतलब ऐसे बालकोनी में घूमते हुए और अपना जो सुबह का काम है वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ना हम औरतें सोच सकती इस बारे में कि आज काम नहीं करना, क्योंकि हमें तो भैया काम करना ज़रूरी है। और इधर पतिदेव मतलब सुबह उठ गए थे 5:30 बजे खुद ही, उन्होंने आज अपने लिए चाय बनाई। बेटी भी सुबह चली गई थी 6 बजे वॉक के लिए, और अब पति देव भी थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे और दोनों फिर साथ ही आते हैं। तो पानी की बोतल वगैरह वो लेके जाते हैं कि बेटी को प्यास लग गई होगी, क्योंकि घूमते हुए और थोड़ा घूमते हैं। और आज संडे है तो चाचा के बच्चे भी उसके साथ में ही घूमेंगे। तो यहाँ पति देव फ्रेश होके बाहर निकले और अभी अपना पानी की बोतल लेके जा रहे हैं, और मैं लग गई हूँ फिर से अपने काम में। मैंने अभी झाड़ू लगाई, फिर मैं थोड़ा डस्टिंग कर लूँगी। और सही है, अगर आप सुबह सुबह अपना जो भी साफ़ सफाई का काम है वो कर लो, तो ये रहता है कि हमारा ना आधा काम हो गया है। और कपड़े ज़्यादातर मेरी बेटी ही धोती है और उसी की ड्यूटी है, क्योंकि 3-4 दिन में कपड़े धुलते हैं तो वही धोती है। तो यहाँ मैंने डस्टिंग करने के बाद लगाया पोछा, और हमारा तो भैया योगा यही है कि सुबह अपना साफ़ सफाई करो, तो इसी में हमारी योगा हो जाती है। अब कोई कहने लगे कि भाई जिम है तो जाओ, नहीं हो पाता। कोशिश भी करी थी, लेकिन वही है कि थोड़ा फिर घर का काम लेट हो जाता है। आप भले ही चाहे कितना भी जल्दी कर लो, तो इससे तो अच्छा है जो हम अपने घर में काम करते हैं वो किसी जिम जाने से कम नहीं होता। सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और ये रूटीन भी सही है अपना। और मैं नहा के आई हूँ, तो मैं सबसे पहले साफ़ सफाई करूँगी मंदिर की, और जो भी हमारे देवी देवता हैं उनको स्नान कराऊँगी। जैसे तस्वीर है तो उनको मैं थोड़ा गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी, और लक्ष्मी गणेश जी को स्नान कराऊँगी। और यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी उठा लिया है। और वैसे तो मैं पहले दूध का भोग लगाती थी, लेकिन आज मैं पहले स्नान कराऊंगी और उसके बाद दूध का भोग लगाऊंगी। तो इनका भी जो मतलब जहाँ हमारे लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो वो वहाँ का भी मैंने कपड़ा चेंज किया है, क्योंकि जब सफाई हो रही है तो फिर पूरी होनी चाहिए। तो ये मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, तो मैं यहाँ जो पीला चंदन आता है उसी से स्नान करा देती हूँ। और कल तो पूर्णमासी थी तो पंचामृत में नहाए हैं, तो काफ़ी मतलब कहते ना कि एक अलग सी चमक आ जाती है पूरे फेस पे, शरीर पे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मैं दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही मतलब स्नान कराती हूँ। स्नान तो मैं रोज़ ही कराती हूँ, अब थोड़ा मौसम चेंज है तो हल्का सा गुनगुना पानी मैं इस्तेमाल में लेती हूँ, और मुझे बहुत प्यारे हैं। और जब से ये मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है,
एक बेटे की जो कमी थी मेरे जीवन में वो पूरी हुई है। कहने को सब कुछ है लेकिन कभी कभी ये लगता है कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन जब मैं इनके पास बैठती हूँ, इनसे बातें करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये है मेरे साथ और मेरा कुछ बुरा नहीं होने देंगे। इतना विश्वास तो है, क्योंकि जब हम अपने आप को किसी से जोड़ते हैं, जैसे इनका मेरा एक माँ बेटे का रिश्ता बन गया है और मैं हमेशा एक बाल गोपाल के रूप में इनको देखती हूँ और बातें करती हूँ, तो बड़ा मतलब मन को बड़ा सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये लगता है कि हाँ वो कमी जो मेरे जीवन में थी वो पूरी हो गई है। और फिर मैंने मंदिर की सफाई भी कर ली, स्नान भी करा लिया भगवान जी को, और उसके बाद मैंने पूरे घर में गंगा जल छिड़क दिया है। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जैसे टीवी में देखते हैं या मैंने जैसे अपने घर, हमारे पापा बालाजी के भगत हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं अपना मंदिर की साफ़ सफाई। जब शादी से पहले तो, और या मैं अब जैसे घर भी जाती हूँ तो ज़्यादातर मंदिर की सफाई पापा की मैं ही करती हूँ, क्योंकि उनको पता रहता है कि जो सामान जहाँ है वो वहीं मिलेगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी काम करूँ ठीक से करूँ। इंसान हूँ, गलती भी हो जाती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वो ठीक रहता है। तो यहाँ मैंने पूजा शुरू कर दी है। और पूजा मेरी हो गई है, उसके बाद मैंने हवन किया है और 11 बार मैंने गायत्री मंत्र पढ़ के और आहुति दी है सामग्री की। इससे ये तय होता है कि अपना जो आसपास का वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। और सो गाइज, सारा काम मेरा हो गया है, पूजा भी मैंने कर ली है, मंदिर में मैं चली गई थी और आके मैंने दूध गर्म करा, चाय बनाई और नाश्ता बनाया। और नाश्ते में मैंने मिस्सी रोटी, आम का अचार और चाय आज थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि जो सुबह की मेरी मॉर्निंग चाय होती है पूजा करने के बाद वो मैंने पी नहीं, तो काम के चक्कर में मैं लेट हो गई थी, तो फिर मैं अब सीधा नाश्ता ही कर रही हूँ। और आगे मैं क्या क्या करूँगी आज, सिलाई के भी कपड़े हैं वो भी मुझे। और नाश्ता करने के बाद मैं और मेरे पति देव आए हैं अपना फ्लैट देखने, क्योंकि आज संडे का दिन है तो ज़्यादातर ओपन ही रहता है। और हम सोच रहे हैं कि धनतेरस वाले दिन हम एक छोटा सा हवन करा ले, क्योंकि ये कहते हैं कि पहला त्यौहार फिर मतलब अगर पूरा कंप्लीट करके हम करेंगे तो होली पड़ती है, और होली पे नए घर मतलब नए घर में त्यौहार नहीं मनाते होली का। तो हमारा यही रीज़न है कि हम धनतेरस के लिए सोच रहे हैं पूजा करना। और उसके बाद आके मैंने दोपहर का खाना बनाया है, दाल चावल।